लक्ष्मी पुजोते बृष्टि दुर्योगे भ्रुकुटी आलिपुर आबहवा दफ्तर जानिए पश्चिमबंग ओडिशा उपकूले घनीभूत निम्नचाप तार जेरे बुधवार पर्यन्त कलकाता सह दक्षिणबंगे जिलागुलिते भारी थेके अति भारी बृष्टि हबे। उत्तरे जिलागुलितेओ भारी बृष्टिर पूर्वाभास। आज कलकाता 224 परगना हावड़ा हुगली सह बेश किछु जिलाय हालका थेके माझारी बृष्टि होते पारे। दुर्योगपूर्ण आबहवाय मत्स्यजीवीदेर समुद्रे जेते निषेध करा हयेछे। आलिपुर आबहवा दफ्तर सूत्रे खबर बृष्टिर संगेई बइते पारे झोड়ো हावा। दक्षिण चब्बीस परगना जिला जुड़े शुरू हो बृष्टि कखनो हालका कखनो माझारी। बक्खालीते पर्यटक सतर्क करार जोन्नो माइके प्रचार चालानो हय प्रशासनेर तरफे। सागरे मत्स्यजीवीदेर समुद्रे जेते निषेध करा हय। इतिमध्ये नीचु जायगाय जमते शुरू करेछे जल। पूर्णिमार कोटालेर कारणे नदीगुलिते जलस्तर बाड़ार आशंका रयेछे। दक्षिण चब्बीस परगनार क्यानिंगे टाना बृष्टिर जेरे दीघिर पाड़ और मातला एक नम्बर ग्राम पंचायतेर बहु एलाका जलमग्न हये पड़ेछे। कोथाओ हाँटू समान तो कोथाओ आबार कोमर समान जल। আর এবার আপনাদের দেখাবো দীঘার ছবি। দীঘায় ভালোই ভিড় রয়েছে পর্যটকদের। বৃষ্টি একটু কমলেই পর্যটকরা ভিড় করছেন সি বিচে। সিভিক ভলান্টিয়ার ও নুলিয়ারা ভিড় সামলাচ্ছেন। জোয়ারের সময় পর্যটকদের সমুদ্রে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। টানা বৃষ্টিতে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে পরিস্থিতির আরও অবনতি। বহু জায়গা জলমগ্ন। অনেক বাড়ির দেওয়ালেও দেখা গেছে ফাটল। বেশ কিছু গ্রামে এখনও জল জমে রয়েছে বাড়ির মধ্যে। অন্যদিকে কেরল, প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেরল। জল বিপজ্জনক মাত্রায় বেড়ে যাওয়ার কারণে পেরিয়ার নদীর ওপর ইদামালায়ার বাঁধের দুটি লকগেট খুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও খোলা হয়েছে আরও একটি বাঁধের লকগেট, ফলে আরও এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। ইদুক্কেতেও জল বেড়ে বাঁধের মাথা ছুঁই ছুঁই, ফলে সেখানেও লকগেট না খুললে আরও বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। ইতিমধ্যে কেরলে বন্যা পরিস্থিতির ফলে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। এর্নাকুলম শহর জলমগ্ন। শহরের অধিকাংশ জায়গায় কোমর সমান জল। সেই জলের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। নৌকা ছাড়া যাতায়াতের উপায় নেই। দুধ, জল, খাবার নৌকায় করে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বাসিন্দাদের কাছে। नदियों का जल स्तर बढ़ेगा और जब जल स्तर बढ़ेगा तो सूरत कैसी बनेगी, देखिए जरा मेरे पीछे जी क्या स्थिति हो रखी है। ये एर्नाकुलम के जो नदी के इलाके का असर है, धीरे धीरे जो तटवर्ती इलाके हैं उन तरफ भी बढ़ रहा है। और क्या असर है, एक नजर देखिए, कमर तलक पानी। इस कमर तलक पानी के बीच में लोग अपने घरों में फंसे हुए। देखिए ग्राउंड फ्लोर पूरा यहाँ पर घरों का जलमग्न हो रखा है। जो लोग इन घरों में रहते थे, ऊपर के माले पर खुद को सुरक्षित रखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर के माले पर रहते हुए दिखाई देंगे। जिन रास्तों पर गाड़ियां चलती थी, जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, उन सड़कों पर लोग बोट लेकर निकल रहे हैं। आप ओणम के त्यौहार में इस तरीके की बोटें देखते होंगे कि जिन बोटों पर लोग सवार होकर जो त्यौहार है उसमें रेस लगाते थे, लेकिन अब तो जनजीवन का हिस्सा बनाना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति बेहद विपरीत है। यहाँ जो दुकानें हैं पूरी तरीके से जलमग्न दुकानें दिखाई दे रही हैं। इन दुकानों में जो सामान था वो सब कुछ पानी में डूबा हुआ, जो थोड़ा सा सामान है ऊपर रखा है वो बचा हुआ है। तो इस पूरे इलाके में पोडियम के आसपास के चुनौती लोगों के लिए बनी हुई है। आम जो लोग यहां पर रहते हैं, स्थिति जिस तरीके की है, पानी भरा हुआ है, कैसे आप लोग निकल रहे हैं, अपना काम कैसे कर रहे हैं? साफ पूरा रास्ता बंद है, जाने के लिए मुश्किल हो रहा है। नजर जरा दूसरे घरों की तरफ भी आपको मैं दिखाता चलूं जिया, यहाँ पे घरों के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। आसपास जो बाग बगीचा है सब डूबा हुआ है। और इसके बाद जो ये रास्ता जिया आप देख रही हैं, दिख रहा होगा आपको कि नदी है या नहर है, लेकिन ये एक सामान्य रास्ता है। यहां से लेकर 1.5 किलोमीटर तक इसी तरीके से सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। लोग इस तरीके से अब जब जरूरत पड़ रही है कामकाज के लिए तो बोट से निकल रहे हैं। मजबूरी है, जीना है और अपनी जरूरतों को पूरा करना है तो आखिर रास्ता निकालना ही पड़ता है। ओणम के त्यौहार पे ऐसी बोटें दिखाई देती हैं, लेकिन आज जो ये बोट है, आप बोट लेकर निकले कैसे घर तक जाने के लिए? कितना घर पे जाने का, घर पे ना दरवाजे का सामने पूरा पानी दरवाजे में अंदर तक। तो देखिए जिया क्या स्थिति हो रखी है, यहाँ पर बोट
ऐसी बोटों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, अपने जरूरत का सामान, दूध और राशन का दूसरा सामान जब लेकर निकले हैं, तो रास्ता कैसे होगा? रास्ता होगा बोट से लेकर जाने का। ऐसी स्थिति बनी हुई है, लगातार जो लोग हैं आम जनजीवन में अपने घरों से निकल रहे हैं, अगर काम के लिए जाना है या कुछ सामान लेने जाना है तो इस तरह की बोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके आगे आप देखेंगे ये पूरा रास्ता जाता है, लगभग 1.5 किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता है, और आगे जितने भी घर हैं, तकरीबन एक पूरा मोहल्ला है, और 1.5 किलोमीटर के दायरे तक जितने भी घर हैं सब इसी तरीके से जलमग्न है। पानी आगे और भी गहरा है, लोगों के लिए मुश्किलें बनी हुई हैं, और इन मुश्किलों के बीच में दुकानें, घर, आसपास सब कुछ डूबा हुआ है। रास्ता बंद है, छोटे हाईवे बंद है, इसके चलते आना जाना भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर एक सकारात्मक बात मौसम की है, मौसम सुधरा हुआ है तो निकलने की एक संभावना बनी हुई है कि पानी निकल जाएगा, लेकिन डैम खुला है, वार्निंग दी गई है लोगों को, तो उस चेतावनी के चलते ये जो प्रॉब्लम है उसको लेके एक सकारात्मक पहलू दिख रही। दूसरी एक बात और है कि जो मंदिर है, जो यहाँ के सबसे बड़े सबरीमला मंदिर है, उसके बोर्ड ने भी मंदिर को बंद करने की बात की है। केरला में पीसीएस के एग्जाम होने थे, उनको भी स्टे होल्ड पर डाल दिया गया है। तो ये वो पूरा मौसम का अपडेट। इस मौसम के अपडेट के बीच में महत्वपूर्ण बात जो जलभराव है, कई सारे इलाकों में इसी तरह का जलभराव है। मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर जिया, पानी जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। कुछ देर आगे तक घुटने तक था, अब धीरे धीरे कमर की तरफ बढ़ता हुआ, इसके आगे अब यहां पर जाने के लिए बोट का ही दूसरा ऑप्शन है। इशारा करके रोक भी रहे हैं बोट में जो व्यक्ति है कि आगे मत जाइए, मुश्किलें केरला के लोगों के लिए। इन मुश्किलों के बीच में जो जनजीवन है वो थमा हुआ था इस तरीके से। देखिए पहले माले पर जो मैं एक महिला आपको दिखा रहा था कि फंसी हुई है, इसी तरीके से लोग यहां पर अपने घरों में फंसे हुए हैं, और जो जरूरत का सामान है लेने के लिए घर से पुरुष और दूसरे लोग निकल रहे हैं, वरना जो दूसरे लोग हैं आसपास के वो सामान लेकर पहुंच रहे हैं। मुझे दो बच्चे अभी मिले थे जो बता रहे थे, उनका एक दोस्त कनाडा में है, उसने फोन किया तो घर में जो बूढ़े लोग रहते हैं उनके लिए राशन लेकर वो लोग आए हैं। इस तरह से एक दूसरे की मदद करके इस विपदा के बीच में केरला के लोग आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि अपने जनजीवन को चला सके।